तुम इधर शब्द अरे हट ये रास्ता तो ना जाने भी नहीं यार बात कर इधर आ जाओ यार बिठा के करो ना हम की मूड खराब हो गया दूसरा वही मुझे बोल मैं इसलिए सैड हूँ कि थोड़ा पीछे रखो ना भाई बोल एक लड़के ने बोला ना क्या बोला कि आदिल की गर्लफ्रेंड ने बोला इट्स अ फेक तो बहुत इफेक्ट हुआ आई डोंट नो क्या क्या रिएक्ट करना है क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत ऐसे हो चुका है ना आई एम सैड समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं समझ में नहीं आ रहा आई एम सैड आदिल तो कह रहा है कि मैं नहीं धोखा दूंगा बट आई डोंट नो हाँ आप लोग ही नहीं पूछते हो तो अभी क्या बोले मैं तो कितनी बार पूछूंगी नहीं बहुत अच्छी फाउंडेशन है लेकिन अब मुझे नहीं पता ना कि पीछे से क्या हो रहा है आई डोंट नो ना मुझे नहीं पता चल रहा थोड़ा सा पीछे जाएंगे मैं गिर जाऊंगी थोड़ा सा पीछे जाओ प्लीज देखो अभी मैंने ऊपर से बुलाया फिर भी ही डिडंट कम आई डोंट नो मैं थोड़ी सैड हूँ मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैंने अभी उनको बुलाया है आदिल जी को लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं आए हैं वो लिफ्ट में हैं और आ रहे हैं मैंने देखा वो बहुत सैड न्यूज़ है जीवन में इसलिए कोई भरोसा नहीं है कोई भरोसा नहीं है जीवन आज है कल नहीं है क्यों वरीड करना क्यों चिंता करना लेकिन गॉड कहता है ना कि चिंता मत करो चिंता चित्ता के समान होती है और मैं हमेशा अपनी रिलेशन को लेकर ही चिंता करती रहती और मैं नहीं मरना चाहती इतनी जल्दी आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट टू डाई I just don't want to die. मैंने कहा था ना आपको कोई नहीं जीने दे रहा मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता कोई नहीं बनने दे रहा And this is really sad news. के आदिल भाई राखी जी रो रहे हैं वही क्या हो गया बोल रहे हैं कि आप आए जो नहीं इनके कॉल करने पे
तेरी माँ से बात कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वही यूक्रेन। ऐसा कुछ नहीं है, बट वही यूक्रेन। ऐसे ही स्ट्रेस रहता है मुझे। आप भी होते हुए क्यों रो रही है रागी जी? नहीं पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। वो स्ट्रेस रहता है ना, वो एक अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि वो भाभी जी घर में उसमें एक जो लीड था वो एक्सपायर हो गया करके। उसके लिए क्या? नहीं नहीं उसके लिए भी, और वही कि रोशना का पूछा मुझे। सच्चा प्यार है, देखो वो घबरा गए। नहीं नहीं रोशना का पूछा ना, तो मैंने बोला हाँ ये सारी चिंता मुझे सताई जाती है। वो लड़के को यंग इज द लीड, उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया क्रिकेट? हाँ। एंड ही वॉज द लीड, कब कौन कहाँ मर जाए पता नहीं। मैंने वही कहा कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, मैं ये सारे स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। यू नो आई लव यू सो मच आदिल, एंड आई डोंट वांट के समबडी शुड प्ले विद माय लाइफ। व्हाई लाइक दैट विल हैपन? व्हाई डू यू थिंक यू विल डाई? व्हाई शी इज सेइंग दैट इतनी इतनी गारंटी से कि इन दोनों का फेक लव है? अच्छा क्यों, कौन बोला ऐसा? अच्छा लोग, एक सेकंड, लोग तो जो भी बोल सकते हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू विद इट, लोग को जो भी बोल सकते हैं। अच्छा तो रितेश भी चार चीज बोलता है, मैं सुनाऊं? क्या बोलता है? मैं कभी बोलता हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, बेफालतू की बात मैं नहीं करता हूं। नहीं रितेश, व्हाट आई हैव टू डू, कुछ भी नहीं बोलता है। चार दिखा दूं मीडिया में ही? दिखा दूं चार चीज? दिखाओ। बेफुजुल की बात है, मुझे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, इट्स रिलेवेंट। तो ये सोच के मैं रोज मीडिया को ये बोल के बैठ जाऊं क्या, आयो रितेश ऐसा बोलता है, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे जिंदगी करूं, ये सोच के बैठूं क्या? I don't want to spoil my tomorrow. I don't want to spoil my tomorrow for today. I don't know. मुझे अभी पता चला. That is irrelevant topic to me today. That is, मैं कल का सोच के क्यों आज का दिन? लेकिन आप रितेश से बात ही क्यों करते हो? तो तुम क्यों रोशना से बात करते हो? Example बोलने की बात. तुम वो comment लेके बात कर रहे हो ना? I am also talking about a comment only. यार देखो अगर आदिल भाई आपके रहेंगे ना कोई नहीं। एग्जाम्पल अभी मैं रितेश से बात करूंगा तो रितेश कभी मेरे को ये बोलेगा क्या, नहीं राखी बहुत अच्छी औरत है उसके साथ रहो? वो तो गलत ही बोलेगा ना। तो उसको लेके मैं रोज झगड़ा करके बैठूंगा। मेरा एक्स और इनके एक्स जो है हम दोनों को शायद नहीं मिलने देना चाह रहे। ऐसा देखो उनकी जिंदगी उनको, तुमको क्यों भड़कना है चीजें पे? आज तुम्हारे पास जो प्रेजेंट है तुम लाइफ एंजॉय करो बस, तुम्हारे लाइफ तुम देखो। नहीं वो कहती वो तो ये दूसरों का सुन के ये रो के खड़ी है, तो रोज इसको मना के फिरने का, यही जिंदगी यही हो जाएगी ना? मैं नहीं, इसको रोज मनाते रहो। she is talking very bad कि he is going to use you and he will throw you, तो this is not good। अच्छा यूज है थ्रो है, जब थ्रो करेगा ना तब आके रो, मायने रखता है। जब मैं करूंगा ही नहीं तो आज क्यों रो के खड़ी हो? कल रोगी तो मायने रखेगा ना, हाँ आदिल ने ऐसा कर दिया। अरे बाबा मैं उसके लिए नहीं रो रही थी, मैं वो हार्ट अटैक हुआ था उसके लिए रो रही थी कि कब इंसान मर जाए मालूम नहीं। मैं नहीं मरना चाहती, मैं रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। हाँ सची आप बैंगलोर के हो? ओके आ जाओ। बैंगलोर के लोग आते हैं ना तो मुझे खुशी होती है। बैंगलोर कर्नाटका से लोग आते हैं ना मुझे, आप भी आ जाओ ना, आ जाओ। नहीं नहीं आप भी आ जाओ। नहीं नहीं आप आ जाओ, वो खींच देंगे भाई। मेरे ससुराल से लोग आए हैं, मेरे ससुराल से लोग आए हैं और मैं उनका स्वागत तो करना चाहिए। बैंगलोर मैसूर पूरा मेरा ससुराल है। इधर देखो राखी जी, क्या बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। पक्का ना? हाँ गारंटी ना? ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, देखो मैंने आपने जो मुझे सवाल पूछा ना उसके लिए मैंने रोई थी, तो मैंने बोला मैं भी रोज चिंता नहीं करना चाह रही हूँ, यू नो मैं भी सैड नहीं होना चाह रही हूँ रोज रोज। द्रौपदी नाम है? कंग्रेचुलेशन के ट्राइबल बैकग्राउंड से फर्स्ट टाइम जो भी पोजीशन मिला है उसके लिए कंग्रेचुलेशन। वेरी मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि ट्राइबल बैकग्राउंड से उनको चांस दिया गया, दैट्स रियली नाइस। लेकिन आप लोग ने अच्छा काम नहीं किया है,
वो मेरा डांस शमशेरा के लिए था, आप लोग ने कुछ और गाना उस पर डाल के डांस दिखाया है, इतना पागल दिख रही हूँ मैं। एक और बार कर दो शमशेरा के लिए। मैं बिग बॉस में ये भी आने वाला है तो फिर अभी तक हम लोग कहते नहीं है कि आने वाले हैं, अभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, यू नो आप समझ रहे हो कि आपके द्वारा बिग बॉस तक इनकी आवाज़ पहुंच जाए और आदिल बिग बॉस में चले जाए। हाँ यस, जब तक हम लोग चिल्लाएंगे नहीं तो कैसे बिग बॉस को सपना थोड़ी आया हुआ है आदिल के लिए, बट इतना है कि आदिल एक बार गया तो वो जीत के ही आएगा, क्योंकि आदिल हारना जानता नहीं है। आदिल इतने भोले चेहरे पे, इसके पीछे भी एक चेहरा है, तो वो यू नो ही इज वेरी एंग्री, इज एंग्री यंग मैन, रोमांटिक, हर शेड है, लड़ना ये वो, वेरी सॉफ्ट यू नो रोमांटिक हीरो टाइप भी हैं वो। ऐसा नहीं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड तो तारीफ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द हमारी अकेडमी भी खुल रही है, डांस अकेडमी, या तो उसमें भी इतने एक्टर आते हैं, आपको देख के पता चल जाता है किसमें कितना है दम। ये अभी नया है, कल पुराना हो जाएगा। एक टाइम पे मैं नहीं आई थी तो मैं तो मुझे कैमरा क्या है वो भी नहीं मालूम था, ये क्या है, बूम क्या है वो भी नहीं मालूम था, लाइट क्या है नहीं मालूम। आज ये नया है, एक दिन एकदम बिग बॉस में अगर इनको चांस मिल गया तो ही इज गोइंग टू रॉक, आई फील, इज इट 100%। आप रॉक करोगे? आई यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी। झलक में तो साथ में नहीं, अलग अलग भी नहीं, हमें अभी तक ऑफर आया नहीं है, तो क्यों बोले? नहीं, हमारा डांस एकेडमी नहीं है, इट्स एन एक्टिंग डांस सिंगिंग इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, इट्स अ प्रॉपर एक्टिंग इंस्टीट्यूट, यू कैन से डांस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ। हम लोग आपको बुलाएंगे ओपनिंग में, ऑफ कोर्स, ये नहीं तो तब हम उसके बारे में बात करेंगे, ये तो हमारी फैमिली है। ये देखो कौन सा गाना डाले हो आप लोग, थैंक गॉड पहली बार सही गाना डाला है, सही गाना डाला है। हाँ थैंक यू, नहीं तो मैं कुछ और स्टेप्स कर रही हूँ, तुम लोग गाना कुछ और डाल रहे हो।